हम लोगों ने वेव नेचर जो हमने लाइट का देखा और उसके ऊपर से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा हाइगेंस प्रिंसिपल के मुताबिक। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा। अब हमारे पास जो तीसरी घटना आ रही है वो है इंटरफेरेंस और उसके बाद आएगा डायफ्रेक्शन और उसके बाद एक पोलराइजेशन भी आता है। हाँ, लेकिन अभी के सिलेबस के अंदर उसको निकाला गया है। ओके, तो हमारे पास डिफ्रेक्शन है, मतलब वेव ऑप्टिक्स के अंदर, हमारे पास रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है। हम लोगों ने हाइगेंस प्रिंसिपल देखा। कौन सा प्रिंसिपल? हाइगेंस प्रिंसिपल भी हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, इंटरफेरेंस को समझने के लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझना चाहिए। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक वेव आया और उस वेव ने इस पार्टिकल का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर किया। इसी पार्टिकल पे एक दूसरा वेव आया, मतलब कि सी ये जब वेव आया उसी टाइम पे दूसरा वेव आया, तब उसने इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड किया। हाँ, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? 4 सेंटीमीटर अप है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? 4 सेंटीमीटर अप माइनस 3 सेंटीमीटर डाउन, कितना सेंटीमीटर होगा? 1 सेंटीमीटर होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर यही पार्टिकल ने इसका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट किया और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होता, अगर 3 सेंटीमीटर, क्या होता? 3 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पे 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर होता, तो क्या यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 7 सेंटीमीटर आ जाता कि नहीं आ जाता? तो रियलिटी में कोई एक पार्टिकल पे अगर एक से ज्यादा वेव जब इंसिडेंट होते हैं, इम्पार्ट होते हैं, तब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उस हरेक वेव की वजह से जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझना ध्यान से, उसका डिस्प्लेसमेंट हरेक वेव की वजह से, जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उस इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम आप करोगे। कौन सा सम करोगे? वेक्टर सम। तभी आपको याद रखना, वेक्टर सम, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय अ नंबर ऑफ वेव्स इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द वेव। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम, कोई एक पार्टिकल जो मीडियम में है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ वेव्स, प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ वेव्स इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको?
सुपरपोज। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने के साथ ही हमको एक इंटरफेरेंस समझना पड़ेगा, और ये जो इंटरफेरेंस है दो प्रकार के हैं। एक इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक वेव आया, ये उसका क्रेस्ट है, और दूसरे वेव का भी क्रेस्ट इसके ऊपर आता है, या तो इस वेव का ट्रफ है और दूसरे वेव का भी ट्रफ इसके ऊपर आता है, तब सीधी सी बात है कि कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक क्रेस्ट आया, इसने इस पार्टिकल को इतना ऊपर ले गया, और दूसरा भी क्रेस्ट है वो उस पार्टिकल को और कुछ डिस्टेंस तक ऊपर ले गया, मतलब एक ही डिरेक्शन में वो उसको ऊपर ले गया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? सीधी सी बात है, मैक्सिमम है। मतलब कि किसी ने आपको ऐसे थप्पड़ मारा और आप 2 सेंटीमीटर ऐसे गए, और दूसरा थप्पड़ भी उसी टाइम पे 3 सेंटीमीटर का आया, मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल कितने सेंटीमीटर हुए? 5 सेंटीमीटर। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमारे पार्टिकल के ऊपर जितने भी वेव आ रहे हैं उन सभी वेव का क्रेस्ट एक साथ आता है या तो फिर ट्रफ एक साथ आता है, तो वो कौन सा इंटरफेरेंस बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले तो आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। द फिजिकल इफेक्ट कॉज बाय द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। द फिजिकल इफेक्ट कॉज बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स, द फिजिकल इफेक्ट कॉज बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मीडियम इज नोन एज इंटरफेरेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, एक क्या आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक क्या आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। वेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपरपोज ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर वेव, when the crest of one wave superposed on the other wave, then resultant displacement of that particle becomes maximum. This type of interference is known as constructive interference. Okay,
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा, यही डेफिनेशन, व्हेन क्रैश ऑफ वन वेव सुपरपोज ऑन द टर्फ ऑफ अदर वेव देन द रिजल्टेंट displacement of that particle becomes minimum, then this type of displacement is known as this type of interference is known as destructive interference. This is crashed upon crashed, this is turf upon turf, this is crashed on a turf. Okay, so this is known as two types of interference. One is constructive and one is destructive. तो आप लोगों को वेव ऑप्टिक स्टार्ट किया तब रिफ्रेक्शन डिफ्लेक्शन पता था, सुपरपोजिशन आपको पता होना चाहिए. सुपरपोजिशन आप लोगों को 11th में ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ते थे, उसमें भी आ गया था कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक पार्टिकल पे मोर देन टू से ज्यादा वेव्स अगर इंसिडेंट होते हैं तो एक वेव उसको ऐसे भेजेगा, दूसरा वेव उसको ऐसे भेजेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उसके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा. ये क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था आपको. वेक्टर सम मतलब आपको उसमें डिरेक्शन ध्यान में लेनी पड़ेगी, प्लस माइनस की साइन ध्यान में लेनी पड़ेगी, बराबर है. ये क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो आपने को इफेक्ट मिलती है कि द फिजिकल इफेक्ट कॉज बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम इज नोन एज इंटरफेरेंस. और इंटरफेरेंस कितने प्रकार के है, दो प्रकार के, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, आप ब्राइट स्पॉट भी बोल सकते हो, ब्राइट फ्रिंज भी बोल सकते हो, बराबर. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डार्क स्पॉट दिखाई देगा. याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपको ब्राइट स्पॉट और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपको डार्क स्पॉट. और आप लोगों को अगर इंटरफेरेंस पैटर्न्स आप देखोगे तो ऐसी आएगी, ऐसी जिनमें सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम. ये अभी आएगा, सपोज कि ब्राइट है तो ये क्या है, डार्क है. क्या है ये, डार्क. ये ब्राइट है तो ये क्या है, डार्क है. वापिस से ये ब्राइट है तो ऐसे आपको पैटर्न मिलती जाएगी, समझ में आ रहा है. तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न. लेकिन अभी हम अपने को उसका काम नहीं है. अब ध्यान से देखो, हम इंटेंसिटी की बात करते हैं. आप सबको पता होना चाहिए बोलो इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या था. तो आप सबको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट, इंटेंसिटी का अगर आपको एमसीक्यू के लिए मोस्ट एमपी, इंटेंसिटी का अगर आपको एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन पूछे तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, याद रखना. और एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी को पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल और वेव ऑन इधर साइड इज नोन एज एम्पलीट्यूड. आपको पता था, याद करो, आप ऑसिलेशन में देख रहे थे ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम यहाँ से उसको मारा तो यहाँ पे जितना मैक्सिमम गया, या तो यहाँ पे जितना मैक्सिमम गया वो उसका क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था. क्या ये आपको पता है? ओके, तो ये हमारे पास हो गया इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, सी हम लोग यहाँ पे थियरी वाइज ही जा रहे हैं. क्यों थियरी वाइज जा रहे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे थियरी है, इंटरफेरेंस के बारे में थियरी, डिफ्रेक्शन के बारे में थियरी, बस खत्म. पूरा बड़ा चैप्टर था उसको अभी रिड्यूस कर करके छोटा चैप्टर कर दिया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है.
आगे का रिफ्रेक्शन डिफ्लेक्शन करना नहीं है गुजरात बोर्ड के लिए। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव्स फॉर्मिंग इन काम वाटर। काम वाटर, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। इसमें तो बहुत कुछ लिखा गया है, हम सिंपल सी बात करते हैं कि एक शांत पानी है, काम वाटर। अगर मैं इसके अंदर पत्थर डालूंगा, या तो यहां पे जो बताया गया कि सुई डालेंगे, तो सीधी सी बात है ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा। और उसी टाइम पे हम दूसरी सुई डालेंगे तो उसका भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा। सपोज कि इसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, वाई वन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और सपोज कि इसका वेव फंक्शन है वाई टू इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। क्यों दोनों का कॉस ओमेगा टी, तो मैंने ऐसा बोला कि जो दोनों सोर्स है, क्या है, दोनों सोर्स जो है वो सेम फेज में है। देखो यहाँ पे सेम फेज, ये भी ओमेगा टी है और ये भी क्या है ओमेगा टी। इसका फेज सपोज की देखो, इसका सपोज की फेज थीटा वन है, इसका सपोज की फेज थीटा टू है। अगर आप फेज डिफरेंस लोगे, क्या लोगे, अगर आप फेज डिफरेंस क्या होता है, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी तो ये क्या आएगा, जीरो। अगर फेज डिफरेंस जीरो आता है, तो बोथ आर इन सेम फेज, इतना पता चला। दूसरी बात, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड क्या है ए, हाँ, तो सेम फेज एंड सेम एम्पलीट्यूड वाले दो सोर्स है। यहाँ पे उन लोगों ने क्या क्रिएट किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया यहाँ पे उन लोगों ने, डिस्टरबेंस। तो मेरे पास दो सोर्स आए, एक आया S1 नाम वाला और दूसरा आया S2 नाम वाला। अब इन दोनों की वजह से पानी में ही सपोज कि कोई एक पॉइंट ले लो P, हाँ, यहाँ पे अगर S1P हियर, हम ऐसा मान लेते हैं कि S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S2P है, रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया कि S1P, क्योंकि इतना ज्यादा चेंज होता नहीं है, तो S1P इज इक्वल टू, अगर S2P है, S1P इज इक्वल टू S2P है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जो वेव यहाँ तक गया होगा और यहाँ से जो वेव यहाँ तक गया होगा, उन लोगों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, हियर S1P इज इक्वल टू S2P, देन पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P विल बी जीरो। सीधी सी बात है कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करके वहां पे गए, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ओके, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस बाय द सोर्स एट पॉइंट P इज S1, और दूसरे पार्टिकल की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, S2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P, समझ लो, जैसे समझ लो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, हाँ, इंटरफेरेंस यहाँ पे, ये P पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगा। सपोज कि S1 का क्रेस्ट यहाँ पे आया, तो उसी टाइम पे S2 का भी क्रेस्ट आएगा, तो वो इसको ऐसे डिस्प्लेस करेगा। सपोज कि S1 का टर्फ यहाँ पे आया, तो उसी टाइम पे S2 का भी टर्फ यहाँ पे आएगा, तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। और वो भी कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आप देखो, इनिशियली आप इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, हाँ कि ना, इनिशियल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, ए। हियर बोथ दी वेव्स इम्पार्टिंग एट पॉइंट पी
एंड प्रोड्यूस्ड इंटरफियरेंस इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? इंटरफियरेंस इफेक्ट। अब ये इंटरफियरेंस इफेक्ट कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है वो देखने के लिए, पहले तो अभी मैं आपको यहां पे बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of point P is the vector sum of displacement of individual displacement of point P due to both the waves, that is resultant displacement y is nothing but y1 plus y2। लेकिन y1 कितना है? y1 मेरे पास है a cos omega t और y2 भी मेरे पास कितना है? a cos omega t। तो मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल a cos omega t plus a cos omega t, क्या इसको मैं 2a cos omega t लिख सकता हूं? हाँ, तो ये 2a क्या है? 2a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर, तो आई प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर आया। ये क्या है? आई प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। बोलो इनिशियली क्या था? आई नॉट प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर था, अब आपको कितना मिला? आई प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर मिला। अगर आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते हो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर कट हुआ, तो i इज इक्वल 4i नॉट। मतलब कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। कितने गुना? 4 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल था समझाने के लिए, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको पता चला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि हमारे पास कोहरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कौन से सोर्सेस होने चाहिए? कोहरेंट सोर्स। अब कोहरेंट सोर्स मतलब क्या? ऐसे सोर्स कि जिसका जिसमें सभी वे सेम फेज में हो, याद रखना, ऐसा सोर्स जिसमें सभी वेव कैसे हो, सेम फेज में हो, उसको हम कौन सा सोर्स बोलते हैं? कोहरेंट सोर्स। उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे दोनों सोर्स सेम फेज में थे क्योंकि इसका भी फेज ओमेगा टी था और इसका भी फेज क्या था? ओमेगा टी। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कोहरेंट सोर्स बोलते हैं। सपोज कि आपको ऐसा बोला गया होता, समझते ध्यान से, सपोज कि आपको ऐसा बोला गया होगा कि वाई वन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, y1 वन इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी है और y2 टू इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी है, तो क्या ये सेम फेज में होते? सोचो, आप बोलोगे कि नहीं, बिल्कुल होते। क्यों होते? क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने डिसीजन लिया था कि ये ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है, मतलब सेम फेज, तो यहाँ पे भी हम वही डिसीजन ले सकते हैं कि ये ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कॉस था और ये भी क्या था? कॉस। जबकि यहाँ पे कॉस है और ये क्या है? साइन। तो बोलो अब इसको क्या करें? दोनों को कंपलसरी या तो कॉस में कन्वर्ट करो या तो दोनों को कंपलसरी किस में कन्वर्ट करो? साइन में। अच्छा, तो बोलो क्या करें? अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करती हूँ,
तो y2 इज इक्वल a साइन, अच्छा आप लोगों को पता है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां पे और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको जाने दो, अगर मैं यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर दू तो क्या होगा बोलो, इसको मैंने क्या कर दिया कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो वाई टू इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको ओमेगा टी बाहर लाता हूँ तो माइनस यहाँ पे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मैं लिख सकता हूँ बोलो, वाई टू इज इक्वल ए का ए कॉस का कॉस, इन दोनों में से माइनस को बाहर निकाला तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गया। अब ध्यान से देखना, बट कॉस इज इवन फंक्शन, और अगर कोई भी फंक्शन इवन होता है मतलब कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, तो आपके पास आएगा वाई टू इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, बोलो यहाँ पे वाई टू इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया, और यहाँ पे वाई वन इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी आया, इसका मतलब क्या हुआ वो बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि वाई वन जो है वो वाई टू से पहले आएगा, वाई वन जो है वाई टू से पहले आएगा, क्यों पहले, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वाई टू जो है वो वाई वन से बाद में आता है, कितना बाद में पाई बाई टू रेडियन जितना बाद में आता है, समझ में आया। तो यहाँ पे वाई वन और वाई टू के बीच का फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई टू, यहाँ पे याद रखना ये वाई वन इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी था और y2 इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी ही था, मतलब यहाँ पे ओमेगा टी प्लस जीरो भी लिख सकते हो और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस जीरो भी लिख सकते हो, मतलब कि दोनों सेम टाइम पे सेम फेज में आए, जबकि यहाँ पे y2 जो है वो y1 से पाई बाई टू रेडियन जितना लेट आता है। ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट आपको करने पड़ेंगे, ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है, बोलो समझ में आ रहा है। देखो ये जो थियोरी थी वो तो आपको ऐसे बताया गया था कि शांत पानी है, शांत पानी के अंदर हम लोगों ने कैसे फेज डिफरेंस बताया, हम लोगों ने वेव्स बताया, हम लोगों ने सुपरपोजिशन बताया, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक लिया था, मतलब कौन सा टॉपिक लिया था इंटरफेरेंस वाला, कौन सा टॉपिक लिया था इंटरफेरेंस वाला। अगर इंटरफेरेंस के अंदर अगर हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिया होता, मतलब कि सपोज कि यहाँ पे फेज डिफरेंस अलग होता, सपोज कि इनकोहरेंट सोर्स होते, कौन से सोर्स होते ये इनकोहरेंट सोर्स होते, तो यहाँ पे ऐसा समझ में आता कि फेज डिफरेंस जो है वो कुछ मिलता। अगर फेज डिफरेंस जैसे यहाँ पे मुझे फेज डिफरेंस कितना मिलता है पाई बाई टू, कितना मिलता है मुझे फेज डिफरेंस, जैसे यहाँ पे मुझे फेज डिफरेंस पाई बाई टू मिलता है तो वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस आता है डिस्ट्रक्टिव, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस क्या पहले वो समझो। चलो एक काम करो, मैं आपको इलेवंथ में ले जाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इलेवंथ में, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेज क्या है, ध्यान से समझो। इलेवंथ में आपको याद होगा कि आपने ऐसा वेव ड्रॉ किया था, ओके ये जीरो फेज था, याद हो तो, हाँ ये जीरो फेज था, याद करो ये पाई बाई टू था कि पाई बाई थ्री था कि पाई था, ये पाई था और ये क्या था टू पाई था। अगर मैं दूसरा वेव यहां से निकालता हूं, अगर मैं दूसरा वेव यहां से निकालता हूं और अगर मैं इसके साथ ही उसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो
ये वेव का जो स्टार्टिंग है यहाँ पे जब दोनों मिल रहे हैं, जब ये है तब यहाँ पे सभी जगह पे उसका फेज डिफरेंस बोलो, फेज डिफरेंस मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये पाई पे ही मिल रहा है, ये टू पाई पे ही मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो, मतलब कि ये दोनों सेम फेज में है। कैसे फेज में, ये दोनों सेम फेज में, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो वेव मैंने दोनों प्लॉट किए है ये दोनों सेम फेज में है, ये गैप है, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जो गैप है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आउट ऑफ फेज में है। हाँ, ये गैप का दूसरा मतलब क्या हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड ए वन है और इसका एम्पलीट्यूड ए टू है, मतलब कि एम्पलीट्यूड दोनों के क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड बदल सकते हैं, लेकिन फेज तो क्या है, इक्वल। अच्छा, अगर मैं ऐसा वेव अगर ड्रॉ करता हूं तो समझना जैसे ये एक वेव ऐसे गया, इसके क्रेस्ट के सामने इसका ट्रफ है, इसके क्रेस्ट के सामने अगर इसका ट्रफ आता है तो ये दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज बोले जाते हैं। कौन से बोले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज। और अगर ये दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज है, मतलब एक के क्रेस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ गिरता है, तो वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस आता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस आता है वहां पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने जो लिखा था कि वाई वन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और वाई टू इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर वाई इज इक्वल, अगर मैं वाई वन माइनस वाई टू करूं तो यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब ध्यान से सुनो, ये इंटेंसिटी कितने टाइम की होगी, चार टाइम, फोर टाइम इंटेंसिटी हो गई, अपनी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी थी उससे फोर टाइम हो गई। कब, जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा तब, लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं तब आपको डार्क पॉइंट मिलेगा, और आप रियल लाइफ के अंदर ये सब अनुभव कर रहे हैं रियल लाइफ के अंदर। क्योंकि आप खुद एक बात समझो, हमारे वहां पे जो लाइट सोर्स होता है, कौन सा सोर्स होता है, लाइट सोर्स, उसमें से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेव्स निकलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेव्स। अब कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर लाइट सोर्स है, यहाँ पे विंडो है, विंडो से भी लाइट आ रही है, ऊपर लाइट सोर्स से भी लाइट आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे ये बोर्ड पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, कोई एक पॉइंट आप कंसीडर कर दो, उस पॉइंट पे क्या एक ही वेव गिर रहा होगा, ना, उस पॉइंट पे एक ही वेव गिर रहा नहीं है, टू और मोर देन टू वेव्स गिर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे भी कौन सी इफेक्ट बनेगी, इंटरफेरेंस इफेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, आपकी डे टू डे लाइफ में। आप अपने घर पे बैठे हो, कभी कभी आप देखना, आप अपने घर पे बैठे हो तो कभी कभी कुछ पार्ट डार्कनेस होता है, कुछ पार्ट लाइटनेस, कुछ ऐसी इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। वो जो इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है वो या तो इंटरफेरेंस से हुआ होता है या तो डिफ्रेक्शन से हुआ होता है। डिफ्रेक्शन से जो वेरिएशन आता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दू डिफ्रेक्शन का। ये जो डाइफ्रेक्शन है ना, हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ना है और डाइफ्रेक्शन पढ़ना है। तो डाइफ्रेक्शन जो है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि अभी आप लोग अपने रूम में बंद हो सपोज, या तो रूम खुला हुआ भी समझ लो, चलो रूम ओपन है, रूम ओपन है, डोर ओपन है, हाँ, लेकिन बाहर जो बंदा खड़ा होगा, बाहर जो बंदा खड़ा होगा उसको आपकी आवाज सुनाई देगी, आप दिखाई दोगे नहीं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायफ्रेक्शन। डायफ्रेक्शन का एग्जांपल क्या है, आपको उसकी बाहर खड़े हुए बंदे को आपकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन आपको आप दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो लाइट वेव है वो लाइट वेव इतना बैंड होते नहीं है एज कंपेयर टू साउंड वेव, वो सब कहानी किसके अंदर आएगी, डायफ्रेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। किस क्या बेंडिंग ऑफ लाइट, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप लोगों ने वो एबीसीडी मूवी जैसा कुछ देखा होगा, हम
लोग इतने मजबूत लोग हैं मेरे जैसे कि मेरे को पास होने के लिए कम से कम चलो यहाँ तक का इतना तो चलो यहाँ तक का सर इतना तो हम बैंड हो सकते हैं। डोर अगर इतना हाइट का है तो मुझे पास होने के लिए इतने हाइट का डोर होगा तो चलेगा, मैं इतना सा बैंड होके जा सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। लेकिन आपने वो मूवी में देखा होगा सब डांसर्स होते हैं इसमें, और वो कौन है जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ, उन लोगों के आप स्टंट देखना, इतू सा वो विंडो होती है कार की, इतू सी विंडो, उसमें से घुमाच करके मतलब ऐसे जा रहे हैं यूं करके ऐसे अंदर घुस जाएंगे। बोलो घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, घुसते हैं कि नहीं घुसते है, हाँ क्या हम लोग इतना बैंड हो सकते हैं, क्या हम लोग इतना बैंड हो सकते हैं? कभी नहीं। हमको यहां तक का बैंड करने को बोले तो भी हम लोगों की वाट लग जाए। तो बैंडिंग ऑफ लाइट उसकी जो इफेक्ट होती है उससे जो फिनोमिनाज मिलते हैं उसको बोलते हैं डाइफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डाइफ्रेक्शन। तो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रेक्शन दोनों चीज अपने को करनी है। याद रखना जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तब आपको डार्क स्पॉट मिलेगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तब आपको लाइट स्पॉट मिलेगा। चलो इसके ऊपर का भी एक एग्जांपल मतलब एक नॉर्मल बात करता हूं। ये जितनी भी थियरी करवा रहा हूं वो सब थियरी आपके दर्पण में है, और अभी आपको पता है कि मटेरियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुमार दर्पण है, अभी कोई और मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो आपको थियरी करनी है तो उसमें से ही करना पड़ेगा। अभी 17 नंबर की थियरी है कि ऑब्टेन द रिलेशन ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लोगों ने बोली है, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट पी है। चलो एक वेव आया, एक दो तीन चार, आपको पता है कि ये कोई वेव होता है तो ये उसकी वेवलेंथ कितनी होती है लैम्डा। तो ये 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। तो टोटल यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 4 लैम्डा। और दूसरा वेव यही पॉइंट पे आता है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा। तो ये यहाँ पे कितना आता है, क्या समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो इस पॉइंट पी पे एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करके आता है? तो यहाँ पे इसका पाथ लेंथ कितना होगा? 4 लैम्डा। यहाँ पे इसका पाथ लेंथ कितना होगा? 7 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस के अगर बारे में बात बोली जाए, इसके बारे में बात बोली जाए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो क्या इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो गया? पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो गया। अगर इतना है तो यहाँ पे कंपलसरी कौन सा इंटरफेरेंस आएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। मतलब कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपके पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस कंपलसरी आएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मैं जो बोला वो समझ में आया? इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझने के लिए पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ये दो चीज समझनी चाहिए। सी पहले तो एक बार सुन लो, ये 4 लैम्डा है,
और ये 7 लैम्डा है। जल्दी कौन आया, मतलब एक लैम्डा मतलब कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो ये 4 × 2π, ये 8π रेडियन हुआ, और ये 7 × 2π, ये 14π रेडियन हुआ। क्या ये हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहां पे द वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम, मतलब कि कौन जल्दी आता है कौन बाद में आता है वो आपको, सपोज कि ये S1 है, ये S1 सोर्स है, और ये कौन सा सोर्स है, S2 सोर्स है, ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स। तो ये पहले आया कि ये पहले आया, मुझे इतना बताओ। S1 एंड S2 में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन पहले आया। ये 4 लैम्डा और ये कौन सा लैम्डा है, 7 लैम्डा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन पहले आया। आपको पाथ डिफरेंस का इक्वेशन तो पता चल गया कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, 10 लैम्डा। हियर S1 में से जो वेव आया वो S2 में से जो वेव आया उससे 3 साइकिल अर्लियर आया, 3 साइकिल अर्लियर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लैम्डा। मतलब कि S1 वाला वेव S2 वाले वेव से 3 साइकिल अर्लियर, 3 साइकल्स अर्लियर। कौन, S1 वाला वेव, किससे, S2 से। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि S2 वाला जो वेव है वो S1 से 3 साइकिल लेट आया। ओके, अब ये 3 है, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा को मैं 1 λ = 2π, तो क्या मैं इसको 6π रेडियन लिख सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो सपोज कि मैं y1 = a, cos ओमेगा t लिखो। ओके, इसका मैंने इक्वेशन लिखा y1 = a cos ωt, तो मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ y2 = a cos ωt − 6π रेडियन। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्योंकि समझ में आ रहा है, ये 6π रेडियन का यहाँ पे फेज डिफरेंस मिला मुझे, क्या मिला, 6π रेडियन का फेज डिफरेंस। y1 = a cos ωt, तो y2 = a cos ωt − 6π। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक बेसिक कंडीशन ये है कि जो भी वेव्स आते हैं वो दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 लैम्डा, या तो n × 2π, तो आपको 2nπ रेडियन होना चाहिए, मोस्ट nπ की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस या तो n λ होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस 2nπ जितना होना चाहिए। ये दोनों n λ या तो 2nπ, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी 4 times of I0 होती है। ये भी याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी 4 times of I0 होती है, मतलब इंटेंसिटी भी ज्यादा है तो आपको ब्राइटनेस मिलेगी, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये लोग आपको दो चीज पूछेंगे, ब्राइट स्पॉट एंड ब्राइट फ्रिंज दोनों एक ही है। आपको समझना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो कंडीशन आपको मैंने n लैम्डा बताई, हम उसको प्रूफ करेंगे 2n+1λ/2। किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस के बारे में कंडीशन के लिए पता चल गया।